हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मटेरियल के बारे में, अलग अलग मटेरियल के बारे में स्टडी करना। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम इसमें देखने वाले हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का बिहेवियर कैसा होता है। देखो, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें हम, यहाँ पे मैं दिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर। यहाँ हम डील कर रहे हैं कंडक्टर के साथ, कंडक्टर मतलब मेटल। मेटल में एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पार्शियली ओवरलैप्ड होते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरलैपिंग से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रन करने वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा जंक्शन पे, तो ये शेयर्ड होगा इक्वली, मतलब इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस और इस वाले न्यूक्लियस से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इसी ऑर्बिट में कंटिन्यू रहे, या पॉसिबिलिटी है कि ये इस वाले ऑर्बिट में चला जाए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है बाय द बोथ एटम्स, इसीलिए ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकता है। ये है कंडक्टर। यहां हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दोनों ऑर्बिट्स के बीच में पर्टिकुलर गैप है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर इन एटम्स में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से ये वाले ऑर्बिट पार्शियली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, और अगर पार्शियली एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले एटम में जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होगी। इसीलिए इन सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी नॉमिनल, बहुत थोड़े से होते हैं, थोड़े से नंबर्स में होते हैं। इंसुलेटर में ये गैप और ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जंपिंग की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत रेयर होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा कर दें, साथ साथ में इलेक्ट्रोफील को अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रोफील को अप्लाई करेंगे तो ये एटम क्या होंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। डिस्टॉर्टेड होने से इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास में या इस ऑर्बिट तक किसी वजह से पहुंचने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो ये इनके बारे में था। अब हम इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज को देखने की ट्राई करें, जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड ऑल। तो ये देखो ध्यान से आप, ये नीचे लिखा हुआ मेटल, मेटल में रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर किस में दिया, केल्विन में। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे जीरो केल्विन, ये है 273 केल्विन, मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये रेजिस्टिविटी का बढ़ने का फॉर्म दिखा रहे हैं। अगर हम किसी मेटल की बात करें, तो हमें अच्छे से मालूम है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है। हमने पहले पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कराओगे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी भी कम होगी। जब हम जीरो केल्विन पे पहुंचेंगे, तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ बच गई। हाँ, कुछ मटेरियल्स में जीरो भी हो जाती है, उनको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। वो कई बार जीरो केल्विन होने से पहले ही रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, दोज आर सुपर कंडक्टर। वो हम अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल मेटल। जनरल मेटल में अगर हम टेम्परेचर को जीरो केल्विन तक ले गए, तो रेजिस्टिविटी इतनी है। बट ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ आ रहा है, वो नॉर्मल लीनियर नहीं आ रहा। ये रिलेशन आप देख रहे हो, ये हम लोगों ने पढ़ा था, रो इज रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, रो नॉट एट जीरो डिग्री सेल्सियस, एंड इसके हिसाब से हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। और ऐसे वाला रिलेशन तो लीनियर है, दिस रिलेशन इज लीनियर, बट दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर, दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर, दिस ग्राफ इज लीनियर फ्रॉम दिस टू दिस। इसका मतलब हुआ, दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी टेम्परेचर, दिस इज एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज। ध्यान से देखो, ये जीरो डिग्री सेल्सियस है, जीरो डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है, रो नॉट, और यहाँ से यहाँ तक लगभग ये लीनियर ग्राफ जैसा शो कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टिविटी नियरली ऐसे हो जा रही है। ऐसे का मतलब ये कहाँ पर टेंड कर रही है, इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। सो व्हेन टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, तब भी रेजिस्टिविटी का नेचर कुछ अनइवन सा होता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट मेटल। कुछ और ऐसे मेटल होते हैं, जो देर आर सम अदर मेटल्स इन विच दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टेम्परेचर रेंजेस। अगर ये रिलेशन किसी पर्टिकुलर मेटल में हर टेम्परेचर रेंज के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, और फिर हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टेम्परेचर रेंज इंक्लूडिंग जीरो केल्विन एंड सो ऑन, उसके हिसाब से हमें ये मिलता होता है। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसुलेटर का, या सेमी कंडक्टर की भी बात करते हैं, जो ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इवन हम इंसुलेटर की बात भी कर सकते हैं और सेमी कंडक्टर की बात भी कर सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है, मैंने अभी आपको समझाया था, जो हम पीछे वाले ग्राफ में देख रहे थे, पीछे वाले जो एटम्स बनाए हुए थे, यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इफ़ वी राइज टेम्परेचर देन वाइब्रेशन ऑफ दीज एटम्स इंक्रीजेस, सो इन ऑर्बिट का आपस में ओवरलैपिंग या टचिंग हो जाती है।
उस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले में जंप कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, बहुत लो, एट वेरी लो टेम्परेचर, लेट्स से जीरो केल्विन टेम्परेचर हम कर देते हैं, तो इतना कम टेम्परेचर होगा कि इनमें वाइब्रेशन होगा नहीं, इनमें वाइब्रेशन नहीं होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के जाने की पॉसिबिलिटी खत्म, नेग्लिजिबल या जीरो पॉसिबिलिटी है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं, तो हम क्या शो करेंगे कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इनफाइनाइट। ये सिचुएशन इसका भी होगा और ये इसका भी होगा। ग्राफ देखें कैसा बना हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब जीरो केल्विन होगा, देखो यहाँ पहुंचो, दिस टेम्परेचर इज जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पे रेजिस्टिविटी इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ग्राफ को साफ साफ देख के लग रहा है कि ऐसे होने वाला है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू जीरो केल्विन रेजिस्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब जीरो केल्विन पे कोई भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, किसमें, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर में। बट जैसे जैसे देखो हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा, तब रेजिस्टिविटी की वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी बहुत बहुत लेस अमाउंट में। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते रहते हैं, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होती रहती है। सो इट इज़ अबाउट दी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, जिसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ देखें, तीनों मटेरियल को अगर हम अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो हमें दो अलग अलग टाइप के बिहेवियर दिखाई देते हैं। एक को हम बोलते हैं ओमिक और एक को बोलते हैं हम नॉन ओमिक। ओमिक कौन से होते हैं, ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका बिहेवियर होता है ऐसा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसमें वी प्रोपोर्शनल आई आएगा, और वी प्रोपोर्शनल आई आएगा तो वी इक्वल टू आर आई आएगा, हमें मालूम है। और ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। तो जो इस चीज ऐसे वाले ग्राफ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमिक सर्किट। यहां पे लिखा हुआ है फॉर ओमिक सर्किट आर इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब हमने वी प्रोपोर्शनल आई लिखा हुआ है तो अगर इसको हम आगे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, R into I आएगा, और बेसिकली ये VI का स्लोप होगा, मतलब जिसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो क्या चीज है, वो स्लोप ऑफ ग्राफ है। कौन से वाले ग्राफ का स्लोप है, VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस बताएगा। बट किस सर्किट में, ध्यान रखो किस वाले सर्किट में, ओमिक सर्किट की बात कर रहे हैं। ओमिक सर्किट में जो स्लोप आ रहा है वो ग्राफ का रेजिस्टेंस बता रहा है और ये कॉन्स्टेंट होगा। अभी हम बात करते हैं नॉन ओमिक। तुम बोलोगे सर ओमिक जो नहीं होगा वो नॉन ओमिक होगा, और नॉन ओमिक होने का मतलब हुआ, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा, वो ग्राफ किसी और तरह का आएगा। देखो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ नॉन ओमिक डिवाइसेस, डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो सारी की सारी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। और इसमें कौन से चीज़ें हो सकती हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा क्या क्या चीज़ें हैं। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब होती है ऐसे सिंपल, इसमें वैक्यूम है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इसमें दो अलग अलग टर्मिनल होते हैं, एक को हम कैथोड एक को एनोड बोलते हैं, और ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड करो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर नहीं है, वैक्यूम का मतलब है यहाँ पे एयर की डेंसिटी नॉर्मल से काफ़ी काफ़ी कम होगी, दैट्स कॉल्ड वैक्यूम। अब हम जैसे जैसे इस वाले पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो यहाँ पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल, जो एयर या कोई भी पर्टिकुलर गैस फील्ड है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, जिस वजह से हम इसको वैक्यूम बोल रहे हैं, वो वाले मॉलिक्यूल ब्रेक होना शुरू होंगे। जब वो ब्रेक होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर रन करना शुरू करेंगे, और इस वाले वायर में यहाँ पे करंट दिखाई देगा। तो करंट तो आ रहा है, लेकिन ये करंट एग्जैक्टली इस रिलेशन के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेशन किसके लिए है, मेटल और कंडक्टर के लिए। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ वैक्यूम भरा है, इसको हमने क्या नाम दिया, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो नॉन ओमिक टाइप आएगा, एग्जैक्टली वी प्रोपोर्शनल आई नहीं आएगा। अगर हम वोल्टेज को डबल करें तो करंट एग्जैक्टली डबल नहीं होता है, कई बार तो डबल से ज़्यादा हो जाता है, कई बार डबल से कम होता है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है हम बाद में देखेंगे। और जब हम इसके साथ में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट आता है, और जब करंट आता है तो जो ग्राफ आता है ना, वो ग्राफ एग्जैक्टली ओमिक नहीं होता है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब हुआ, हमारे पास एक कोई चीज़ होगी, ये एक कोई वेसल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हमने डाल रखे हैं, और लेट्स से एक पे प्लस और एक पे माइनस डिपॉजिट होता है, और हम आप करंट को फ्लो कराना शुरू करें
और जैसे तुम करंट को फ्लो कराना शुरू करते हो तुम क्या देखते हो, मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सो एज करंट फ्लोज यहां पे करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आ रहा, बट किसकी वजह से आ रहा है, आयंस की वजह से आ रहा है, इसलिए जो ग्राफ आएगा वो एग्जैक्टली ओमिक सर्किट को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सो ओमिक एंड नॉन ओमिक हमें समझ में आ गया, मेटल और कंडक्टर में ओमिक होता है, बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उनमें नॉन ओमिक होता है। एक और चीज है, जो रिलेशन है ना V=C, ये दिख रहा है आपको, ये वाला रिलेशन R=V/I इज वैलिड फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक बोथ। इस वाले लाइन को याद रखना, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अभी जैसा मैंने यहां पे बताया, ऐसे लग रहा है कि V=RI केवल ओमिक के लिए होगा, बट मैंने यहां पे नोट लिख दिया, और वो क्या है, V=RI या R=V/I इज वैलिड फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक बोथ, मैं आपको समझाता हूं। तो अब ध्यान से देखो, जैसे कोई भी डिवाइस अगर ओमिक होगी, तो ओमिक डिवाइस में हम क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सर देखो ये लेट से ये आई है और ये वी है, मैंने कहा बहुत अच्छा है, बोले सर ये ऐसे होगा, मैंने कहा अच्छा है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, लेट से थीटा, और जो टेन थीटा आएगा वो होगा V/I, वो यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ देखो थीटा, इधर भी तो सेम आ रहा है, इधर भी तो सेम आ रहा है, इधर भी तो सेम आ रहा है, हर जगह कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आर नाम दे रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ओमिक सर्किट में आर की वैल्यू हर दम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अब हम देखते हैं इस वाले ग्राफ को, लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस ग्राफ। एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब हुआ जब करेंट होगा I1 तब वोल्टेज होगा V1, बताओ तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस होगा R1, तो R1 क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे V1/R1 होगा, बोलेंगे सर आपने बताया था V1/I1, तो आंसर आएगा गलत है। V1/I1 हम कब लिख सकते थे, जब वोल्टेज हमेशा सेम होता, वोल्टेज हमेशा सेम नहीं है, फिर क्या करोगे तुम बोलोगे सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इतना छोटा पार्ट, ध्यान से देखना, और उसको जूम करके बाहर निकालते हैं, जब जूम करके बाहर निकालोगे तो वो पार्ट ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर हो गया, ध्यान से देखते रहना, अगर वो पार्ट ऐसे होगा तो तुम बोलोगे सर हम इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं, अच्छी बात है हमने ट्रायंगल बना लिया, व्हाट इज दिस बेटा, ये वी होगा कि डीवी होगा, ये डीवी होगा, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा, डीआई होगा, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका जो स्लोप आएगा ना उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम उसको हम बोलेंगे DV/DI, V/I नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, DV/DI, क्लियर हुआ। तो ऐसे केस में जब ये वेरिएबल टाइप ग्राफ होता है ना, ये वेरिएबल टाइप ऐसे ऐसे कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते तो हम वोल्टेज अपॉन करंट के हिसाब से ही हैं, क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने क्या लिखा, R=V/I इज वैलिड फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक बोथ, लेकिन इसके लिखने का ढंग अलग है, इसके लिखने का ढंग ऐसे है, जब ये ग्राफ वेरिएबल है तो रेजिस्टेंस को आप सिंपल V/I नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम पे वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, फिर तुम क्या करोगे, एक छोटा सा पीस निकालोगे, उस छोटे से पीस को अगर तुम यहाँ बनाओगे तो ये आएगा DV/DI, और रेशियो निकालोगे तो ये ऐसे आएगा। क्या ये स्लोप हर जगह सेम आ रहा है, ये स्लोप हर जगह सेम नहीं आ रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस हर जगह सेम आएगा, नहीं आएगा, जो चीज़ हमेशा सेम होती है उसको हम स्टैटिक और कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ टाइम के साथ वेरी करती है उसको हम डायनेमिक या वेरिएबल बोलते हैं। तो ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है, फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस आर इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग आ रहा है, और किसी भी पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो VI ग्राफ का स्लोप होगा वो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस बताएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लो, दी स्लोप ऑफ VI ग्राफ एट एनी पर्टिकुलर करंट इज रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर करंट। उस पर्टिकुलर जब हमारे वायर में मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कोई बोले बताओ इस टाइम कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो इस टाइम ग्राफ का जितना पर्टिकुलर स्लोप होगा वो उसके रेजिस्टेंस को बताएगा उस पर्टिकुलर टाइम की कंडीशन को। क्लियर हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये ग्राफ जो आपके सामने नीचे बना है ना, मैं आपको अभी नहीं समझा रहा था पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए ग्राफ आता है, ये आपको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग केवल एक बात पे लगाओ कि यहाँ पे स्लोप जो आ रहा है या जो ग्राफ आ रहा है इसका स्लोप हर जगह सेम है कि डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट है, पहले कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और, इसका मतलब ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस आएगा विल इट बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, इट विल बी वेरिएबल।
इज इट स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस? इट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस. इज इट ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट? इट इज नॉन ओमिक सर्किट, क्योंकि ये ओमिक केवल ये है, बाकी सब ओमिक नहीं है. आई थिंक क्लियर हो गया आपको. सो इट वॉज अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स कैसे कैसे होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा था. कुछ और चीज़ें देखें. अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं. सी, एलॉयज होते हैं और या ओर्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के कंपोजिट्स होते हैं या अलग अलग तरह के मिक्सचर से मटेरियल बनते हैं. उन सबका नेचर बहुत अलग अलग होता है. यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लिखी है, थर्मिस्टर. थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर होते हैं, देखो, इट इज़ अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर. अब आप बोलोगे, सर इसकी ज़रूरत क्या है, थर्मिस्टर का कहाँ पर काम आता होगा, क्यों काम में लाते होंगे? तो आप समझो, अगर किसी पर्टिकुलर जगह का स्मॉल टेम्परेचर चेंज भी हो और वो हमारे लिए मैटर करता हो. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. हमारे एक बड़ा सा रूम है, उसमें एक बहुत सेंसिटिव सी मशीन रखी है. सेंसिटिव मशीन होने का मतलब हुआ कि लेट्स से वो वर्क करती है 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में. अज्यूम करो 16 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये मशीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्मिस्टर लगा देंगे आसपास. थर्मिस्टर क्या करेंगे, थर्मिस्टर के साथ अलार्म कनेक्ट कर देंगे. थर्मिस्टर क्या करेगा, अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो डिटेक्ट कर लेगा. डिटेक्ट करके डेटा को डिस्प्ले करेगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है. और अगर हमें मालूम चल गया कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम उसको बहुत जल्दी से रेगुलेट कर सकते हैं कि वो मशीन ख़राब नहीं हो जाए. ऐसे जब टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा तब भी वो बहुत जल्दी से नोटिस कर लेगा, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव डिवाइस है. डिवाइस का मतलब यहाँ कोई मशीन नहीं है. थर्मिस्टर्स आर नॉट इन एनी मशीन, दीज आर बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स. अगर हम एक सर्किट बनाएं, ऐसा सर्किट बनाएं जो निकल ऑक्साइड से बना हो, जो आयरन ऑक्साइड से बना हो, जो कॉपर ऑक्साइड से बना हो, और अगर हम इस ऐसी चीज़ से सर्किट बनाएं या ऐसी चीज़ से डिवाइस बनाएं, तो ऐसी वाली डिवाइस को हम थर्मिस्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होगा. अगर इस सर्किट के आसपास हल्का सा भी चेंज आएगा तो ये शो कर देगा, डिटेक्ट कर देगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है. सो दोबारा ब्रीफ करता हूँ. थर्मिस्टर वो डिवाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट सेंसिटिव होती हैं. ये अलग अलग मटेरियल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे निकल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एट्सेट्रा. क्लियर? एक और बात, इनका अल्फा बहुत ज़्यादा होता है. अल्फा याद आया, पता तो है बेटा हमें, हम लोग कहते थे ना R इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी. अब सोचो तुम, अगर अल्फा छोटा होता, अल्फा अगर स्मॉल है, स्मॉल अल्फा से क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्फा इतना छोटा है कि टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर अल्फ़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस में बहुत सारा फ़र्क आएगा, तो सर्किट में हमें पता चल जाएगा. ऐसे करके हम मेज़र करते हैं. क्लियर? सो थर्मिस्टर वो हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सॉरी जिनका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऑक्साइड्स होते हैं. और कोई बोले कि इसके यूज़ेस बताओ, इसके यूज़ेस क्या हैं, तो मेनली हम क्या करेंगे, इनको हम हीट डिटेक्शन के या टेम्परेचर डिटेक्शन में यूज़ में लाते हैं. ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर का डिटेक्शन करना हो कि वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम थर्मिस्टर अप्लाई करते हैं. क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है जी. अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर. हमने सुपरमैन के बारे में सुना है, एक ऐसा मैन जो होता ही नहीं है. इसी तरह से सुपर कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो आम जिंदगी में नहीं पाया जाता. कहने का मतलब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में नहीं पाया जाता. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते 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 एक मिनिमम टेम्परेचर तक ले जाएं, तो एक पर्टिकुलर मटेरियल सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है. सुपर कंडक्टर कौन सा होगा, जिसमें कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, कंडक्टिविटी बहुत लार्ज हो. और जिसमें कंडक्टिविटी बहुत लार्ज होगी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी बेटा नेग्लिजिबल होगी या जीरो होगी. इसका मतलब सुपर कंडक्टर कौन सी डिवाइसेज हैं, सम मेटल्स, ध्यान से समझो क्या लिखा है यहाँ पे, सम मेटल्स एंड एलॉयज एट लो टेम्परेचर लूज देयर रेजिस्टेंस कंसिडरेबली. मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसे एलॉयज होते हैं जो लो टेम्परेचर पे अपने रेजिस्टेंस को टोटली लूज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. अगर वो ऐसा ख़त्म कर देंगे तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर. क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तो हम इसको नाम क्या देंगे, सुपर कंडक्टर. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी नाम देते हैं. क्लियर हो गया? एक और बात, जिस टेम्परेचर पे आते आते इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. तो यहां पे हम लाइन लिखते हैं, द टेम्परेचर एट विच आर बिकम्स
जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे वाले टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कौन सा वाला टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पे आते आते रेजिस्टिविटी कितनी हो जाए? जीरो, या रेजिस्टेंस कितना हो जाए? जीरो। ऐसे वाले टेम्परेचर को नाम देते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। और देखें सुपर कंडक्टिविटी का कॉज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इन जनरल जो मटेरियल होता है उसमें एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब एन नंबर एटम का इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एम नंबर एटम का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रहा है। सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, अपने हिसाब से न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहे हैं और उनका वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को कम कराते 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 चले जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एसोसिएशन हो जाता है। किन इलेक्ट्रॉन्स का? जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर घूम रहे हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। एक हिसाब से एक जैसे जेली फॉर्म नहीं बनता किसी चीज़ में, वैसा कुछ बन जाता है कि एटम आपस में कोऑपरेट करने लगते हैं। कोऑपरेट मतलब एक का मोशन दूसरे पे डिपेंडेंट और दूसरे का पहले पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो एक तरह का नेटवर्क बन जाता है। किन इलेक्ट्रॉन्स का? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद, उनका आपस में एक तरह का कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है और एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरी एंड पे भागते हैं तो एटम का जो आयन है, एटम का आयन का मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बच गया? आयन बच गया ना। तो एटम का जो आयन है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस जनरेट नहीं कर पाता, मतलब उनको रोक नहीं पाता। उनको रोक ना पाने की वजह से वो एक हिसाब से कैसे बिहेव करता है? ऐसे फ्रीली बिहेव करता है कि वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। इस रीजन की वजह से जो कंडक्टर सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं, दिस इज द कॉज। यहां पे पढ़ते हैं हम, यहां क्या लिखा हुआ है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट बट बिकम म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड कोहरेंट when critical temperature is reached, the ionic vibrations which could deflect free electrons in metal are unable to deflect this coherent or cooperative cloud of electrons in superconductor. यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, this coherent or cooperative cloud of electrons behave as superconductor. आप ऐसे चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे? इनको क्या कर देंगे? बिहेव एज सुपर कंडक्टर। क्लियर? सो ये इसका कॉज होता है कि ये सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव क्यों करता है। इसके एप्लीकेशन है, सुपर कंडक्टर के एप्लीकेशन है, हर चीज का एप्लीकेशन है। हम सुपर कंडक्टर का करते क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टर? दीज आर यूज टू मेक वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, बट इसका पहला एप्लीकेशन क्या है? दीज आर यूज टू मेक वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा इस पॉइंट के बारे में। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अगर हमें हाई एनर्जी पार्टिकल का रिसर्च करना है तो हम अगर किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना दें तो उसके अंदर वाले पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से भागना शुरू कर देंगे। कारण है, उसमें कोई भी रुकावट या रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। सुपर कंडक्टिविटी इज यूज टू मेक वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। अब आप समझो, कंप्यूटर्स में कॉम्पोनेंट्स लगे हैं, वायर लगे हैं, अगर उसमें सुपर कंडक्टर लगा हो तो हम क्या देख सकते हैं? मैसेजिंग या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी होगा। तो इसमें जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे वर्क करना शुरू कर देगा अगर हम सुपर कंडक्टर उसमें यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हमने अभी बात करी थर्मिस्टर, सुपर कंडक्टर, ये बहुत सारी चीज़ें बात करी हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस की। उसके लिए हम देखते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का क्या मतलब है? मैं एक दिन शॉप पे गया और मैंने बोला मेरे को रेजिस्टेंस दे दो। तो अब रेजिस्टेंस का वेरिएशन पता क्या है? रेजिस्टेंस तो बहुत टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस मे स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू, मे स्टार्ट अप टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी बिग रेंज ऑफ रेजिस्टर्स आर अवेलेबल। बहुत बड़ी रेंज के रेजिस्टेंसेस, मतलब जीरो से लेकर इन्फाइनिट तक की रेंज में रेजिस्टेंसेस लाई करते हैं। अब मैं शॉप पे जाऊंगा और मैं कहूँ आप मेरे को एक छोटा सा कंपोनेंट दो जिसका नाम रेजिस्टर है, रेजिस्टर सर्किट में यूज़ करे जाते हैं, तो मतलब वो देगा तो वो परेशान हो जाएगा क्योंकि सबके ऊपर छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होंगे। रजिस्टर इन जनरल देखने में कुछ ऐसे लगता है, कुछ ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक सिलेंडर जैसा होगा, बहुत पतला, बहुत छोटा सा होता है, बहुत पतला, जैसे आपका पेन का पेन है
उससे भी उसके क्रॉस सेक्शन से भी आप मान लीजिए 1/10 या हाफ या अलग अलग साइज़ के होते हैं, बट वो बहुत कम बहुत पतले होते हैं। ये कुछ ऐसे होगा, देखो ये कुछ ऐसे मैंने ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे होगा, आपको ऐसे दिख रहा होगा। और क्या होता है कि इसमें ना तीन अलग अलग लाइंस होती हैं। एक लाइन ये होती है फर्स्ट लाइन, मैं इसे अलग अलग कलर दिखा देता हूँ सो दैट डिस्टिंक्ट कर पाएँ। ये सेकेंड लाइन होती है और ऐसे ही होती है थर्ड लाइन ये, और यहाँ पे एक फोर्थ लाइन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, मतलब इट मे और मे नॉट बी, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कि लाइन हो भी या लाइन ना हो, तो यहाँ पे फोर्थ लाइन होती है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, तो जब तुम मार्केट में लेने जाओगे तो वो तुम्हें एक छोटा सा ऐसा कंपोनेंट दे देगा और वो कहेगा ये रजिस्टर है, बहुत अच्छी बात है, तो उस पर कहीं नहीं लिखा होगा कि कितना ओम है। तुम बोलोगे कि मेरे को ना 1000 ओम का रेजिस्टेंस या 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दो, तो इसके ऊपर यहां पे कहीं भी नहीं लिखा होगा 1 किलो ओम, बट होगा क्या, उसमें तीन लाइंस बनी होंगी 1, 1, 2 एंड 3। काउंटिंग कहां से करेंगे, इस वाले एंड से करेंगे, और 1, 2, 3 हो गया। और ये जो ये वाला है ना, यहां पे फोर्थ लाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी है, देयर कैन बी और देयर कैन नॉट बी। जो ये तीन रेजिस्टेंस है ना, इन तीन कलर की लाइन से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हो, और जो फोर्थ कलर होता है ना उससे पता चलता है कि इसमें कितनी एरर हो सकती है। एरर का मतलब जब हम किसी रेजिस्टेंस वायर को बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस का नहीं बनेगा, उसमें प्लस माइनस में थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, मे बी 5%, मे बी 10%, मे बी 20%, सो इट विल डिपेंड कि कितनी एरर है। सपोज करो मेरी एक कंपनी है जो रेजिस्टेंस के कंपोनेंट बनाती है और बहुत ज़्यादा ISO सर्टिफाइड और बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि एरर कम से कम हो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एरर बहुत बहुत कम होनी चाहिए। एरर कम होने का मतलब हुआ मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा और वो एक पर्टिकुलर कलर की लाइन बनाऊंगा। कैसा कलर होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज़ करो कि मेरे फ्रेंड की एक कंपनी है और वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड काम नहीं करते, वो थोड़ा सा केयरलेसली काम करते हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस में एरर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। एक और मेरा नोन है जो बिल्कुल मतलब देसी काम करता है, उसके जो रेजिस्टेंस का कंपोनेंट होगा या वायर का कंपोनेंट होगा उसमें एरर थोड़ी और ज़्यादा होगी, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे में एरर है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप का कलर छोड़ेगा या कलर नहीं डालेगा। मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। इन शॉर्ट दीज थ्री कलर्स आर फॉर द रेजिस्टेंस एंड फोर्थ कलर इज फॉर द एरर, कि उसमें पर्टिकुलर में कितनी एरर अवेलेबल है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कलर, ये फर्स्ट कलर हो गया, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड कलर। मेरे कनेक्शन नहीं लिखना तो फिर हम इसको कलर लिखते हैं ऐसे, और बेटा हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे थर्ड कलर, ठीक है। और ये हो गया फोर्थ कलर, ये अलग से लाइन है, राइट है। तो इस कलर को मेज़र करने के लिए, इस कलर को मेज़र करने के लिए अलग अलग टाइप से हमने कोडिंग करी, उसको हम नाम देते हैं कलर कोडिंग। इन जनरल हमारी जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो ये जो कलर है ये 10 टाइप के कलर हो सकते हैं, 10 टाइप, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, अलग अलग तरह के, ये 10 तरह के कलर हो सकते हैं। इनको समझाने के लिए कि यहाँ पे कौन सा कलर हो सकता है, उसके लिए हमने एक वो लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा, हर बुक में लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ, है बहुत फनी लेकिन लिख देता हूँ। क्या लिखा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। वैसे सच बताऊं स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो काम चल जाता है। काम किस हिसाब से चल जाता है कि टीचर ने या साइंटिस्ट ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया और उसको हम सारे के सारे पढ़ते हैं, हर बुक में लिखा हुआ है तो मैं इसे लिखवा दिया, ये बड़ा फनी सी लाइन है, इसको याद करना बहुत आसान होता है। बीबी रॉय, पहले वाले बी का मतलब है ब्लैक, पहले वाले बी का मतलब है ब्लैक, मैं अभी टेबल बना के आपको दिखा दूंगा, अभी आप याद करो, इसका मतलब ब्लैक, इसका मतलब ब्राउन, इसका मतलब रेड, इसका मतलब है ऑरेंज, इसका मतलब येलो, इसका मतलब है ग्रीन, और ग्रेट को सी, एक बात ध्यान रखना है, इसका हमने सिंगल सिंगल लेटर लिया, लेकिन जब हम इस पूरे की बात करते हैं, इस पूरे में से हमने केवल फर्स्ट लेटर ले लिया, उसको ग्रीन बोल दिया। अब इसमें से हम अगला वाला लेटर कौन सा लेंगे, अगला वाला ये हो गया, इसका लेटर कौन सा लेंगे, ये वाला, तो कौन सा कलर आ गया, ब्लू, और इसमें से वायलेट, और इसमें से ग्रे, और इसमें से वाइट आ गया। समझने की ट्राई करो मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगर ये स्टेटमेंट याद रख लोगे, जो कि बहुत आसान है, तो
तो आपको पता चल जाएगा कि कलर कोडिंग में हम कौन से 10 कलर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दुनिया भर में जो रेजिस्टेंस आपको मार्केट में मिलेंगे उसमें केवल और केवल 10 कलर होंगे, केवल और केवल 10 कलर होंगे, और वो इन इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से होंगे। पहले बी का मतलब ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये 10 कलर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। कभी कभार यहाँ पे ग्रे, गोल्ड और सिल्वर भी डाल देते हैं, बट उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत रेयर होती है। क्लियर हो गया? अब समझो, अब ये तो समझ आ गया सर, स्टेटमेंट ऐसा होगा, अब इसकी रीडिंग कैसे करेंगे? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में सब समझ में आने वाला है। अभी देख के बड़ा घबराहट होती सर हो क्या रहा है। अब जो ये है ना, यहाँ हर कलर की अपनी कोडिंग दी हुई है कि किस कलर की क्या कोडिंग है, उसके लिए हम लोग ना टेबल बना के कोडिंग देखते हैं। तो कोडिंग कुछ है इस हिसाब से कि हाँ, तो कोडिंग करते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे बोला कलर है, और कलर तो पहला वाला कलर कौन सा मैंने बोला था बेटा? पहले वाला कलर मैंने बोला था मैंने ब्लैक। और इसका जो सिंबल है ना, वो सिंबल हम बताते हैं बी से, और इसका जो नंबर आता है वो आता है 0। बस आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और मल्टीप्लायर फैक्टर क्या आता है? 10^0। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। ये तो समझ में आ गया कि ब्लैक क्यों आया, क्योंकि बीबी रॉय वाला जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला कलर कौन सा था? ब्लैक था। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कलर, उसका सिंबल तो समझ में आता है, और काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। और मल्टीप्लायर क्या आएगा? जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा उसकी पावर आ जाएगा। ठीक बात है। तो ये हमने लिख दिया ब्लैक। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ब्राउन की। अगला कलर बेटा कौन सा था? ब्राउन था। और इसका भी सिंबल बेटा क्या आएगा? बी। लेकिन यहाँ नंबर अब 0 नहीं आएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। और मल्टीप्लायर फैक्टर कितना आएगा? 10^1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कलर बेटा मैंने कौन सा बोला था? रेड। और रेड को हम कैसे बोलेंगे? आर से। नंबर कितना आएगा? 2। और मल्टीप्लायर फैक्टर आएगा 10^2। बस आप देखते जाओ, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर होने वाला है। उसके बाद आएगा ऑरेंज, और ऑरेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? ओ से। नंबर कितना आएगा? 3। 10^3। क्लियर हो रहा होगा? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बेटा कौन सा कलर था? उसके बाद था ये वाला कलर, है ना? और इसका सिंबल क्या आएगा? Y। और इसमें नंबर कितना आएगा? 4। और मल्टीप्लायर फैक्टर कितना आएगा बेटा? 10^4। मुझे लगा आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या था? ग्रीन। उसी फॉर्मूले के हिसाब से देखो, हम इसको डिफाइन करेंगे G। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे क्या आएगा? 10^5। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद बेटा क्या आएगा? उसके बाद आएगा ब्लू। ब्लू को कैसे डिफाइन करेंगे? बी से। क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितना आएगा? 6। यहाँ पे आएगा 10^6। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आएगा वायलेट। वायलेट आ गया, और इसको हम कैसे कहेंगे? वी। यहाँ पे आएगा 7। 10^7। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आएगा ग्रे। और ग्रे 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 को हम कैसे लिखेंगे? फिर से जी से लिखेंगे। और नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। और यहाँ पे आएगा 10^8। और फाइनली आएगा वाइट, और वाइट को लिखेंगे हम W। और ये आएगा 9, ये आएगा 10^9। आई थिंक क्लियर। टेबल तैयार है, टेबल तैयार है। बीबी रॉय को हमने याद करा जी, बीबी रॉय याद करा। और वो बीबी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, ये हमारी बन गई टेबल। ध्यान रखना बेटा, टेबल बन गई है, और उसमें ये लिखे हैं अलग अलग सिंबल। क्लियर है? अब बच्चे बोले सर कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर अभी समझाता हूँ। अच्छा, फोर्थ कलर की अभी तक मैंने बात नहीं करी है, अभी तक मैंने बात करी है पहले वाले 3 कलर की, फोर्थ कलर की बात अभी करने वाला हूँ, इतना समझ के चलो। अब किसी ने बोला कि सर हम एक रेजिस्टेंस परचेस करने गए, एग्जांपल हम एक रेजिस्टेंस परचेस करने गए और उसने मेरे को ये रेजिस्टेंस पकड़ा दिया, और मैं तो आ गया डाउट में, मुझे समझ नहीं आया क्या था। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर ऐसे ऐसे करके 3 लाइन बनी हुई थी। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला सर एक लाइन जो थी ना वो ये वाले कलर की थी, येलो थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोला सर जो दूसरी लाइन थी ना वो थी ब्लू कलर की। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। बोला सर जो तीसरी लाइन थी ना वो थी वाइट कलर की। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोला सर मुझे समझ नहीं आया कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा टेंशन ना लो यार, अभी हम समझते हैं, पहले तुम टेबल देखो, गुस्सा मत करो, पहले टेबल देखो। पहला कलर कौन सा था? पहला कलर था येलो। लेटर कौन सा है? वाई। सिंबल क्या है? वाई। इससे कोई मतलब नहीं यार। नंबर कौन सा है? 4। तो तुमने सबसे पहले पता क्या करना है?
तुमने सबसे पहले जो कलर है उसका नंबर लिख देना है, कलर है उसका नंबर लिख दो। क्या है बेटा, येलो कलर का नंबर कितना था? 4। बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा फिर मैंने बोला बेटा दूसरा कलर कौन सा है? बोला ब्लू। मैंने कहा ढूंढो 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 ब्लू कहाँ है, ब्लू ब्लू मिल गया, वाओ ब्लू मिल गया। ब्लू का नंबर कितना आ रहा है? 6। तुमने क्या करना है, इसका नंबर लिख देना है। मैंने कहा ठीक है जी, नंबर लिख दिया 6। उसके बाद दो कलर का लिख दिया, पहले कलर का नंबर लिखो, दूसरे कलर का नंबर लिखो, उसके बाद लिखो मल्टीप्लाई। हो गया? मैंने कहा बोला ठीक है। मैंने कहा अब लिखो 10 की पावर। 10 की पावर क्या? अगला कलर कौन सा है बेटा? अगला कलर है वाइट। वाइट का देखो नंबर, वाइट का नंबर क्या आएगा, देखो ध्यान से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और तो मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, मल्टीप्लायर 10 पावर 9 आएगा। तो यहाँ पे पता आंसर कितना आएगा, 10 पावर 9। अभी तक मैंने फोर्थ कलर की बात नहीं करी है, ये आएगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस का, लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। मेरी बात फिर से सुन लो, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट कलर होगा उसका नंबर, सेकंड कलर होगा उसका नंबर, इनटू का साइन, जो थर्ड कलर होगा उसको मल्टीप्लायर फैक्टर में लिख के हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिख रहे होंगे। आई होप आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। फर्स्ट कलर का नंबर, सेकंड कलर का नंबर, जो थर्ड कलर होगा उसका मल्टीप्लायर फैक्टर होगा, उसकी वैल्यू को हम साथ में लिख रहे होंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं फोर्थ कलर की। तो अगर हमें फोर्थ कलर की बात करनी है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये रहा रेजिस्टेंस, यस नो, ये था फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर है, थर्ड कलर, ये तो समझ आ गया। ये है बेटा फोर्थ कलर, कौन सा कलर है? फोर्थ कलर। और फोर्थ कलर को हम टॉलरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये टॉलरेंस वाला कलर है, ठीक है ना, ये टॉलरेंस वाला कलर है। तो जो फोर्थ कलर होगा, फोर्थ कलर में ना अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फोर्थ कलर में भी क्या हो सकता है? फोर्थ कलर में भी गोल्ड कलर, ये गोल्ड कलर का हो सकता है। अगर गोल्ड कलर का होगा तो जो टॉलरेंस आएगी, टॉलरेंस का मतलब एरर होता है, वो कितनी आएगी पता? ±5%। अगर यहाँ पे फोर्थ कलर गोल्ड का बना हुआ है, ये बात समझ लेना कि इसमें जो भी आंसर आ रहा है ना, जो भी आंसर आ रहा है उसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर फोर्थ कलर गोल्ड कलर का है तो। अगर फोर्थ कलर है सिल्वर कलर का, तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिल्वर कलर का है तो इसमें एरर थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर ये सिल्वर का है तो टॉलरेंस आएगा ±10%। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 10% ऊपर नीचे हो सकता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अगर फोर्थ कलर होगा, एक बार पता क्या होता है, कभी कभार होता है नो कलर, इसमें कोई कलर ही नहीं होता, फोर्थ के जगह खाली पड़ा होता है। अगर खाली पड़ा होता तो ये मत समझना टॉलरेंस नहीं है, इसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। कितना? ±20%। प्लस माइनस क्या बोला मैंने? 20%। ऐसे मेजर करते हैं हम फोर्थ कलर को। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आसान था, कुछ भी ना था, मैं कह रहा हूं एग्जांपल। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, 1 2 3 एंड ऐसे, क्लियर। और किसी ने हमसे ऐसे बोल दिया कि देखो सर ये वाला तो है रेड कलर का, ऐसे रेंडमली समबडी टोल्ड के सर ये वाला है रेड कलर का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सर देखो ये है ब्लैक कलर का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और सर ये जो है ना ये है ऑरेंज कलर का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और सर ये ना ये है सिल्वर कलर। और कोई हमसे बोलता है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। किसी ने बोला कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करो, तुमने क्या बोला? तुम बोलोगे सर पहला कलर कौन सा है? रेड कलर। चलो जी बैक, रेड 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 रेड। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट कलर का नंबर लिखते हैं, नंबर नंबर कितना लिखेंगे बेटा? 2। चलो रेड कलर का नंबर आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन में, कितना आ गया? R=2। सेकेंड कलर कौन सा है? ब्लैक। बैक बैक ब्लैक 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 ब्लैक। नंबर कितना? 0। मैंने आपसे क्या बोला था, पहले दो कलर के नंबर लिखते हैं हम सच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद लिखते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद 10 की पावर में लिखते हैं थर्ड कलर। थर्ड कलर कौन सा है? ऑरेंज।
ढूंढो जल्दी से ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ गया, ऑरेंज कहाँ गया, मिल गया। बहुत सही बच्चे, बहुत समझदार हो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 पावर आएगा, यहाँ पे 10 पावर आएगा 3। प्लस माइनस कितना एरर बेटा, सिल्वर अभी अभी बताया था, प्लस माइनस 10%। अभी 10% का क्या मतलब हुआ बेटा, इस वैल्यू का 10% कितना आएगा, तो जो आर का आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁴, सही है ना। प्लस माइनस इसका 10% पता कितना आएगा, 2 × 10³। ये हमारा होगा आंसर। इसका मतलब आर में बी एनीथिंग बिटवीन 2 × 10⁴ प्लस 2 × 10³ टू, या उल्टा बोल देते हैं, पहले माइनस लगा देते हैं, हम यहाँ पे प्लस हटा के माइनस लगा देते हैं, 2 × 10⁴ प्लस 2 × 10³। कैन यू सी दिस व्हाट आई एम सेइंग, चेक, जस्ट चेक। मैंने प्लस माइनस बोला ना, प्लस माइनस एरर तो हम जानते हैं ना, प्लस माइनस बोलने का मतलब आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आर की मिनिमम वैल्यू होगी दिस माइनस दिस, और मैक्सिमम कितनी होगी, दिस प्लस दिस, आर उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। सो आर मे बी एनीथिंग बिटवीन 2 × 10⁴ और ये उसका 10% है प्लस दिस वैल्यू। सो ये आर की क्या लिखा था, आर की पॉसिबल वैल्यू बतानी है ना, कि आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। सो इट वुड बी दी आंसर। इट वॉज अबाउट कलर कोडिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप 2-3 न्यूमेरिकल और करो कहीं से, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कलर कोडिंग क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्स एंड ऑल, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से पढ़ो। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।